हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा दूसरा वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से पासपोर्ट साइज फोटो को हम जो है बनाते हैं और 5 मिनट के अंदर में अच्छा से अच्छा फोटो बनाते हैं। अब फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो में किस तरह से हम किसी भी फोटो में अगर किसी के चेहरे पर पिंपल्स वगैरह हो जाता है या किसी के चेहरे पर कोई दाग है तो हम उसको कैसे हटाएंगे, ये चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं। बड़ा मजेदार है, चलिए देखते हैं। फोटोशॉप खोल लेते हैं। खोलने के बाद एक पिंपल वाला फोटो हमने डाउनलोड कर लिया है और वो हम इसमें ले आते हैं। पिछले वीडियो में सारा डिटेल से हम लोगों ने बता दिया। अब ये फोटो में पिंपल्स है, यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन सीखना तो है हम लोगों को कैसे। यहाँ पर एक टूल होगा जिस टूल का नाम है पैच टूल। ये पैच टूल ऊपर से नीचे नीचे आने के क्रम में चौथे नंबर के पैच टूल लेने के क्रम में इस तरह का गोल वाला निशान आएगा। अगर कुछ सेटिंग ऊपर से खराब होगा तो वो आप ठीक कर लीजिएगा। पैच टूल में आपको यहाँ पर अल्ट प्रेस करना है। अल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ के जो चेहरे के जो पास का एरिया है, इस पास के एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे कि क्योंकि यहीं के एरिया का कलर जो है हमको इसमें डाल देना है। तो हम यहाँ अल्ट दबाएंगे और सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कलर वाला में वहां पर आ जाएगा, तो है ना। अल्ट दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो इस तरह का इमेज, अल्ट दबा रहे हैं तो इस तरह का कलर आ रहा है। अल्ट दबाएंगे और क्लिक करेंगे। अब हम इस पे क्लिक करेंगे पिंपल पे, देखिए गायब हो गया। अब ये जो पास का कलर था वो ले लिया, अल्ट दबाएंगे और यहाँ का कलर ले लेगा। देखिए एकदम आसान है, आप किसी भी पिंपल्स को एकदम गायब कर सकते हैं, इजिली इजिली गायब हो गया। चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इतना ही आज का वीडियो में, बस इतना ही था। और भी जो भी फोटो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आप हमें बताइए मैसेज करके कमेंट में, और उसमें हम लोग वीडियो बनाएंगे।